राम राम, जय हिंद। जितने लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कुछ मेरे असेसमेंट हैं खुद के, मतलब कि कुछ चीज़ें हैं मेरी खुद की। मेरी खुद की का मतलब यहाँ पे यह है कि हम जो चीज़ें करते आ रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हम पर्सनल काउंसलिंग भी देते हैं और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, तो जो सरकारी नौकरी में 5 साल लग जाते हैं या फिर इतना टाइम लग जाता है, उसके पीछे जो हमने जेन्युइन एक कॉमन कुछ रीज़न देखे हैं, आज हम तुम्हें उसके बारे में बताएंगे कि क्या कॉमन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, मतलब कि तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है और सालों लग जाते हैं तब भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। डायरेक्ट चलते हैं वीडियो पे। सबसे पहला होता है रिदम ब्रेक होना। देखो क्या होता है कि अगर तुमने एक बार पढ़ाई शुरू करी है, तुम्हारा रिदम बना हुआ है, तो अगर कहीं पे भी जाके बीच में जाके या आखिरी में जाके तुम्हारा रिदम टूटता है, रिदम टूटने का मतलब क्या है? रिदम टूटने का मतलब यहाँ पे यह है कि तुमने शिद्दत से तैयारी करी, तुम्हारा एक सिलेबस चल रहा है प्रॉपर, बीच में तुम 10-15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए भटक गए इधर उधर, तो वो जो तुम्हारा रिदम बना हुआ था कि तुम पढ़ जो रहे थे, उसके बाद रिविज़न भी कर रहे थे, तुम एक्सरसाइज भी कर लगा रहे थे, तुम सारी चीज़ें कर रहे थे, तो वो जो जो रिदम तुम्हारा ब्रेक हुआ है, उसकी वजह से दिक्कत पता है क्या हुई है? उसकी वजह से दिक्कत ये हुई है कि तुम्हारा फ्लो जो टूटा है उससे तुम पुरानी चीज़ें भूलने लगे हो। तो उससे क्या होता है, फिर से तुम्हें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। इसलिए कोशिश ये किया करो कि जितने महीने का भी टाइम दे रहे हो अपनी पढ़ाई में, उसके बीच में किसी भी तरीके का ब्रेक मत रखो। ठीक है, दूसरा, तुम्हें करना ही नहीं है, सिर्फ घर वाले चाहते हैं। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, ये मतलब मोस्ट कॉमन रीज़न है कि फॉर्म आया है तो हमें भरी देना है क्योंकि घर वाले चाहते हैं। तो ये एक चीज़ ये मानो, इससे कभी ना तो तुम घर वाले तो चलो ठीक है कैसे भी झेल ले जाएंगे, तुम अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छा नहीं कर रहे हो, तो अगर नहीं मन है छोड़ दो, सच बता रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा, किताबें खोल के रखते हो, कोई मतलब नहीं, उससे तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, आगे जाके बहुत तकलीफ़ में आने वाले हो। फेलियर असेसमेंट नहीं कर रहे हो। फेलियर असेसमेंट का मतलब क्या होता है? फेलियर असेसमेंट का मतलब होता है जब तुम फेल हो जाते हो। ठीक है, जब तुम फेल हो जाते हो तो वो देखते नहीं हो किस वजह से फेल हुए हो। कई बार देखो, तुम खुद को देखोगे कि अगर तुम्हारा कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है, ठीक है, तो तुम क्या करते हो, तुम दोबारा से तैयारी शुरू करने लगते हो, सारी किताबें उठा कर बैठ जाते हो। ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं निकला है तो ये देखो किस वजह से नहीं निकला है, किस सेक्शन में तुमसे ज़्यादा गलती हुई है, किस टॉपिक में तुमसे सबसे ज़्यादा गलती हुई है, इसका असेसमेंट करना पड़ेगा पहले बाबूजी। अगर नहीं करते हो, सॉरी बॉस, सिलेक्शन बहुत दूर है तुमसे अभी। ठीक है, अगली, स्मार्ट स्टडी प्लानिंग। स्मार्ट स्टडी का मतलब यह है कि हमें पूरी पोथी नहीं खत्म करनी, हमें यह देखना है कि सिलेबस में क्या चीज़ें आई हैं, उस पर हमें सिर्फ फोकस करना है, उसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, टैलेंट बीट्स हार्डवर्क, हार्डवर्क बीट्स टैलेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि देखो, जब भी तुम्हारे कोई भी एग्ज़ाम होता है तो 30-70 का होता है, 30% आपका ये मान लो कि टैलेंट होता है, 60% हार्डवर्क होता है, 10% लक होता है। ठीक है, तो टैलेंट जिनके पास है, हमने उनको भी देखा है कि वो बैठ के आराम फरमाते हैं, उनको लगता है कि उनका हो जाएगा और उन्हीं का नहीं होता है। क्योंकि देखो, आजकल जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, टैलेंट तुम्हारा जितना भी हो तुम्हें प्रैक्टिस सेशन लगाने पड़ेंगे, तुम्हें प्रैक्टिस से होकर गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ महानुभाव सोचते हैं कि उनकी लाइफ में सब ऐसे ईजी चलता रहेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वो भूल में उस वजह से भी नहीं हो रहा है। उसके बाद है हमेशा बदलाव, चाहे वो बुक हो चाहे वो रिसोर्सेज हो। देखो, एक बार जब सिलेक्शन नहीं होता है तो तुम कुछ चीज़ें बदलते हो, समझ में आता है। हर महीने अगर तुम कुछ चीज़ें बदल रहे हो, किताबें दूसरी पढ़ रहे हो हर महीने, या फिर टीचर्स नए ला रहे हो तुम अपने लिए हर महीने, वो तुम्हारे लिए दिक्कत दे सकते हैं, तो ये मत करो। एक रिसोर्स को पकड़ के रखो, 6 महीने में सिर्फ 2 महीने पढ़ाई, मतलब कि जब 6 महीने का टाइम है, अभी से तुमने कोई तैयारी नहीं शुरू करी, जब एग्ज़ाम आ गया उसके 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी। हमने बहुत ऐसे लोगों को भी देखा जो सिर्फ मैराथन पर डिपेंड होते हैं कि 2 महीने पहले, बहुत से यूट्यूब चैनल मैराथन निकालते हैं, वो पढ़ के निकाल देंगे, नहीं होना है। नोटिफिकेशन के बाद पढ़ाई, ये होते हैं मेन लीडर, जो नोटिफिकेशन जब आता है किसी एग्ज़ाम का तब तैयारी शुरू करते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो भैया सुधार लो, अगर नौकरी चाहिए तो, वरना इतना मुश्किल है नहीं। राम राम।